तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं हिंदी का, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो विधि या कानून के विरुद्ध होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। जो विधि जो है कानून के विरुद्ध होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग गैर कानूनी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर कानूनी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पे विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ, तो किसका लिखा हुआ, तो यह भगत सिंह का लिखा हुआ है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है। जब भी पूछेगा विद्यार्थी और राजनीतिक जो है किसका शीर्षक निबंध है, तो यह भगत सिंह का लिखा हुआ है, आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का क्वेश्चन, हम लोग का रॉबिन्सन क्रूसो ने वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो ऑप्शन हो गया हम लोग का फ्राइडे का, संडे का, एडिसन का, स्टिल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फ्राइडे के मुख से उन्होंने एक बात सुनी थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था ये बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 28 सितंबर 1907 को जो उनका जन्म हुआ था भगत सिंह का, आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में जरूरी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे। ऑप्शन हम लोग का रांची, जमशेदपुर, छोटा नागपुर और आंध्र प्रदेश। इसमें बताना है जो धांगड़ थे वो कहाँ से आए थे, तो बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो छोटा नागपुर से वो आए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, किसका कथन है। जो ये लाइन है ये किस लाइन से लिया गया, मतलब किस चैप्टर से ये लाइन लिया गया है। तो ये जो लिया गया है वो सिपाही की माँ से लिया गया, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं, ये नहीं है। ये क्वेश्चन ये है कि ये जो है बोला किसने है, तो ये ईसाई लड़कियाँ ने बोला है। किसने बोला है? ईसाई लड़कियों ने बोला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो उनके लड़के का नाम बताना है, तो उनके लड़के का क्या नाम था, तो बोधा सिंह नाम था। क्या था? बोधा सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो किस प्रकार का रूप है, तो आप जब भी ये पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। तो कैसा रूप है, तो वो कल्पित रूप है। कैसा है? कल्पित रूप है। बी इसका राइट आंसर है, आप लोग को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, राजा हरसिंह देव किसका मुकाबला करना पड़ा था, उनको किसका मुकाबला करना पड़ा था उनको। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक का उनको मुकाबला करना पड़ा था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। उनको क्या विश्वास था कि उनको सजा जो मिलेगी ऐसी मिलेगी, क्या वो क्षमा कर दी जाएगी, या फिर नम्र व्यवहार का हो जाएगा, या फिर मृत्युदंड होगा, या फिर आजीवन कारावास का होगा। उनको क्या विश्वास था, तो उनको विश्वास था कि उन्हें मृत्युदंड मिल जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सायंकालीन बेला जब पशु चर कर लौटते हैं तो क्या होता है, तो गोधली हो जाती है। कैसी होती है? गोधली होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो किस पत्रिका में प्रस्तावित हुई थी, मतलब प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो छात्र सहोदर में उनका प्रकाशित हुआ था, जो पहला कविता था पत्रिका वो प्रकाशित हुआ था छात्र सहोदर में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो पहले आपको ये बता दूं कि मालती के पति का जो नाम था वो महेश्वर था, और ये जो लिया गया है लाइन ये रोज कहानी से लिया गया है, और जो ऑपरेशन करके आए थे वो गैंग्रीन का करके आए थे। किसका करके आए थे? गैंग्रीन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से होगा, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर का गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है, यह कथन किसका है। तो ये कथन बताना है किसका है, तो यह प्रेमचंद का कथन है, और ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो यह अर्धनारीश्वर से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर बताना है कि सोने पर सुहागा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अच्छे पर अच्छा हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सोने पर सुहागा हो गया। ये मुहावरे आप लोग तो बोलते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी का क्या हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ बताना है, तो एकमात्र सहारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, जो समय के अनुकूल चलता आया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो समयानुकूलन, जो समयानुकूलन इसका राइट आंसर, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, भगत सिंह अजीत सिंह कि क्या लगते थे। तो क्या लगते थे, तो वो भतीजा लगते थे। आप लोग को बताना है कि भतीजा लगते थे भगत सिंह अजीत सिंह के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पसीना एक कर कर चोटी एड़ी, या थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, दस तस्वीरें के रचनाकार कौन है, जो दस तस्वीरें हैं इसके रचनाकार कौन है ये बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दस तस्वीरें हैं इसके रचनाकार जो है जगदीश चंद्र माथुर है, आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पुंडलिक जी कौन थे, क्या वो गांव के मुखिया थे, शिक्षक थे, या फिर चिकित्सक यानी कि डॉक्टर थे, या फिर राजनीतिक नेता थे। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि जो पुंडलिक जी थे वो कौन थे, तो वो शिक्षक थे, क्या थे, शिक्षक थे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, वन में चरने वाला उसे हम लोग क्या कहते हैं एक शब्द में, तो उसे हम लोग वनचर कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके से एग्जाम में भी आता है, तो आप लोग तो 100 में 100 करके आराम से आ जाते हैं। वैसे ये सब इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग को याद करके रखना है अच्छे से, फिर एग्जाम में तो आपको टिक मार देना है बस, और कुछ करना नहीं है, फिर तो आपके नंबर इतने अच्छे आएंगे क्या ही कहूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, इसमें बताना है जो बालकृष्ण भट्ट है वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो कहाँ के रहने वाले, तो वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कौन सा निबंध गुलेरी जी रचित नहीं है, तो बताना है कि कौन सा जो है उनका रचित नहीं है। तो देवानाम प्रिय ये उन्हीं का है, पुरानी हिंदी ये भी उन्हीं का है, मोरसी मोही कुठान ये भी उन्हीं का रचना है, लेकिन जो ये मजदूरी और प्रेम है यह उनका रचना नहीं है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, आप लोग को पता होगा कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने का भविष्यवाणी करती है, तो किस दिन मानक का जो है चिट्ठी आता है, और मतलब आता नहीं है, वो भविष्यवाणी करती है बस कि आएगा, तो किस दिन का करती है, तो वो मंगलवार को करती है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, 3 में 13 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 में 13 मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसका राइट आंसर बताना है हमें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसी काम का ना होना, न 3 में न 13 यानी कि किसी काम का ना होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, संवाद में क्या सबसे महत्वपूर्ण है, बताना है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, तो वो आत्मीयता होती है, क्या होती है, आत्मीयता, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कबीर किस में भेदभाव नहीं करते हैं, तो कबीर जो है वो किस में भेदभाव नहीं करते, तो वो हिंदू और मुसलमान में भेदभाव कभी नहीं करते, बहुत ही अच्छी बात है, कभी भी हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, और वो भी नहीं करते थे, आप लोग को भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे, पितृविहीन किसे कहते हैं, जब पिता की जो मृत्यु हो जाती है तो उसे पितृविहीन कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो 12 वर्ष के जब थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। आज का जो क्लास था यहीं तक का था, आप लोग को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।